मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैंने ये प्रीवियस वीडियो डाला था कि एमसीसी के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है और आपने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। मैं यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता देता हूँ, मार्क्स के साथ में कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है। आपने अगर मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देखा होगा रिजल्ट के बाद में, तो मैंने ये एक्यूरेट कट ऑफ ही बताई थी। एक दो मार्क्स का एक दो कैटेगरी में अंतर हो सकता है, बाकी सेम सी कट ऑफ गई है जो मैंने रिजल्ट आने के बाद में प्रिडिक्ट की थी। मैंने ये भी बताया था कि यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में 2 या 3 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर का अलॉटमेंट होता है उसमें स्टूडेंट ओबीसी का कोई सीट छोड़ देता है तो जनरल कैटेगरी का उस सीट को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसमें 3 नंबर का डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि 3 या 4 नंबर का इसमें डिफरेंस हो सकता है, वही इसमें 3 नंबर का डिफरेंस रहा है जनरल और ओबीसी कैटेगरी में। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 1 मार्क्स का अंतर रहा है और 4 मार्क्स का अंतर रहा है यूआर कैटेगरी में। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है फर्स्ट राउंड के लिए वो 14,367 मार्क्स कट ऑफ गई है, सॉरी ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ गई है, मार्क्स है उसके 611। कॉलेज है जोरम मेडिकल कॉलेज, फाल्कन का कॉलेज है ये। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ देखें हम तो 15,452 कट ऑफ रही है 608 मार्क्स पर, विरधु नगर जो नया कॉलेज है वो मिला है। EWS का भी सेम कॉलेज मिला है 16,137 रैंक पर, मार्क्स है 607। SC कैटेगरी में सेम कॉलेज मिला है, कैटेगरी है 80,256 मार्क्स से 505 मार्क्स से कॉलेज सेम है। ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में ये जो रैंक रही है वो 1,03,575 रही है, मार्क्स से 479। तो इसमें जो कॉलेज मिला है वो रामनाथपुरम का कॉलेज मिला है। तो ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, मैंने पहले बता दिया था उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, तो आप इसमें ये अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो और कोई अपडेट होगा तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।